यस बोलो, क्या हो गया? आ रहा है आंसर? आर यू गेटिंग द आंसर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड? पहले ये चेक करते हैं। सो वन पर्सन गॉट द आंसर। यस सो यू आर डूइंग गुड। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो नाउ लेट अस सी द आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड? फिनाइल ग्रुप C6H5, मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ इथाइल बेंजोएट। सो द इथाइल बेंजोएट is C(OO)C2H5, correct? Now this reaction, first reaction, is taking place in presence of dry ether. You can apply shortcut also. So ये इसके ऊपर attack करेगा, तो ये निकल गया, right? So if I apply that shortcut, या अगर मैं directly करूँ, then what I have a structure? Here we are COMGR, इधर आएगा. Then here we have a C6H5 and here we have a OC2H5. So when I hydrolyze this, hydrolysis jab main karunga, then what I have? C6H5, C double bond O, C6H5, correct? Byproduct C2H5OH plus MgiOH. So MgiOH, as I already told you, जो एसिड तुम लोग ले रहे हो उसके हिसाब से ये सॉल्ट बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज बेंजोफिनोन। सो दोज हु हैव नॉट डन दिस, लेट्स डू इट अगेन।
Yes. What about the second one? Anybody got? Second, same way. यहाँ पे अभी मैं शॉर्टकट से ही लिख रहा हूँ. This is what? Phenyl magnesium iodide. Ethyl butanoate. Butanoate मतलब कितने कार्बन होंगे? One, one, two, three, four. Butanoate. C double bond O, O C2H5. Right? This is the nomenclature. तो मैंने क्या बताया, शॉर्टकट अगर करना है तो ये देखो, ये इधर अटैक करेगा और यहां से ये चला गया, है ना. सो आई विल राइट इन वन स्टेप ओनली. क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ड्राई इथर एंड सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस. रिमेंबर दैट ये जो फाइनल प्रोडक्ट में लिख रहा हूं, इट इज ओनली ऑब्टेन्ड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस. सो व्हाट विल हैपन, there is no change in CH3 CH2 CH2, C double bond isme kuch change nahi hai. Instead of OC2H5 we have now C6H5 plus what, C2H5 OH hoga and MgI, correct. Iska naam kya hoga, 1 2 3 4. So one phenyl butanone तीसरा. तो ये दोनों केस में वी आर गेटिंग व्हाट कीटोन. नेक्स्ट वन इज C6H5 MgI दैट रिएक्ट विद फिनाइल फॉर्मेट. फॉर्मेट मतलब HC डबल बॉन्ड O C6H5. Again, you can apply shortcut. Understand the arrows. In presence of, first step is diether and the second step is hydrolysis. Okay. Exam में तुम लोग ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, board exam. Okay. इसमें तो shortcut करके ही काम आएगा entrance exam में. ये देखो यहाँ से ये निकल गया और ये C6H5 इधर attack करेगा. Last time मैंने बताया था, it is what? SN to TH, SN TH reaction है वो, है ना? SN to TH ही हो गया वो actually. मतलब देखो ना, backside attack हो रहा है यहाँ पे. Therefore, the product obtained is what? HC double bond O C6H5. Benzaldehyde मिला plus what? C6H5OH plus what? MgIOH. Understood? Yes. ये हो गया benzaldehyde. So those who have got wrong one, please write it down.
Yes. So let us understand now next reaction, that is preparation of aromatic aldehydes and ketones. Okay. First reaction is Itard oxidation. Itard, name of the site is Itard oxidation. Itard oxidation में क्या होता है देखो ध्यान से देखना. When alkyl benzene like toluene is treated with strong oxidizing agents like chromyl chloride CrO2Cl2. Okay. In non-polar solvent like carbon disulfide or carbon tetrachloride, एक ब्राउन कलर्ड का कॉम्प्लेक्स मिलता है विच इज फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव्स यू एल्डिहाइड. अब ये जो कंपाउंड है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ओके ये है क्रोमाइल क्लोराइड. इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना दैट हाइड्रोजन इज एडेड अक्रॉस द सी डबल बॉन्ड. ओके एंड द ऑक्सीजन ऑफ दिस गेट बॉन्डेड विद द कार्बन. ओके ये दो मोल्स लग रहे हैं टू मोल्स लग रहे हैं. नथिंग इज लॉस्ट ओवर हियर जस्ट एक्चुअली टोलुइन गेट एडेड इन क्रोमियम एंड वी आर गेटिंग अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. इसको अगर मैंने हाइड्रोलाइज किया देखो यहाँ पे अगर मैंने हाइड्रोलाइज किया OH, 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 OH. अंडरस्टूड. सो व्हाट वी आर गेटिंग CrO2Cl2 एंड वापस क्रोमाइल क्लोराइड वापस मिलेगा. H2 नहीं मिलना चाहिए हाइड्रोजन H2O मिलना चाहिए H2O and we are getting what? It must be H2O. Okay, ये लिख लो. Write down this. यहाँ पे H2 है H2 नहीं है H2O है. नेक्स्ट रिएक्शन देखो द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड. क्या करते हैं हम लोग बेंजाल्डिहाइड को टोलुइन इज रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये मैंने एक्सप्लेन किया था शायद जब हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स देख रहे हैं. अगर यहाँ पे मैंने FeCl3 और डार्क पकड़ा तो क्लोरीन अटैक ऑन अ बेंजीन. बट अगर मैंने क्लोरीन और सनलाइट या यूवी लाइट पकड़ा तो फ्री रेडिकल होता है. सो हियर द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. नाउ दिस इज फर्दर हाइड्रोलाइज एक्वियस KOH. Don't consider this aqueous KOH. Alkaline hydrolysis. The Cl is replaced by OH, and we know that these two OH minus OH uses one water molecule, giving you what benzaldehyde. Okay, so ये भी लिख लेना reaction. Just put the heading. Heading ऐसे लिखना. This question. ऐसे लिखना. How will you prepare? ऐसे लिखना. How will you prepare? Benzaldehyde from toluene. How will you prepare benzaldehyde from toluene? यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होगा. How will you prepare benzaldehyde from toluene? अभी ऊपर वाला जो रिएक्शन था रिटार्ड वाला वो भी क्या था फ्रॉम टोलुइन ही था एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो फ्रॉम टोलुइन. कमर्शियली दिस इज सम वायबल प्रोसेस. मतलब इसमें ऐसे होता ना कि क्लोरीन इजीली अवेलेबल है टोलुइन इजीली अवेलेबल है रिएक्शंस आर अंडर कंट्रोल इसलिए ये रिएक्शन इजीली हो सकता है. राइट डाउन दिस रिएक्शन.
Next, we'll discuss now. This is the reaction. Again, this is also from toluene. Okay, ये भी reaction toluene से है. But here we are using acetic anhydride. We are using acetic anhydride. Now, in this case, what is happening? So there are 2 moles of acetic anhydride. Okay, the oxygen get added over here. But in short, ये भी एक अलग टाइप का रिएक्शन है. I can say nucleophilic substitution. And we have COOCH3 in presence of CrO3 at low temperature. We are getting what? Benzaldehyde. Okay. In case of nitrobenzene, ये reaction थोड़ा fast होता है. So this is also you write down from acetic anhydride. Yes, done the reactions.
चलो नेक्स्ट रिएक्शन गटमैन कोच रिएक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा था बेंजीन में। गटमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। दिस इज योर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, सी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज, राइट। नाउ व्हेन HCl विल अटैक, ओके सो यहाँ पे ये जो H प्लस है ना, H प्लस, ये H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ले ले, सो दैट नाउ वी हैव H C डबल बॉन्ड O। नाउ कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट व्हिच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, सो दिस कार्बन इज नाउ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज गोइंग टू अटैक ऑन बेंजीन रिंग, तो ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट, ऐसे, सो दैट इससे जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कंपाउंड फिर अपना बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गटमैन कोच रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इज दैट क्लियर, गटमैन कोच रिएक्शन, अंडरस्टूड? यस, राइट डाउन दिस गटमैन कोच रिएक्शन।
चलो द नेक्स्ट वन. सो दिस इज द कैटरमैन कोच रिएक्शन. सिंस मिथाइल ग्रुप इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, सो ऑलवेज द पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट. सो वी हैव 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड. अभी ये तो पता ही है, इसमें मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है. रिडल ग्राफ असाइलेशन. बेंजीन व्हेन रिएक्ट विद असाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, एसिडिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स यू व्हाट? एसिटोफिनोन और डायफिनाइल कीटोन. ओके, प्लीज राइट डाउन दिस. जस्ट पुट द हेडिंग फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन. हेडिंग लिखना फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन. ओके, एंड देन राइट डाउन दिस 3 रिएक्शन. सो कैन यू सी कितने सारे रिएक्शन है और आगे रिएक्शन आने वाले हैं. And it requires only daily practice.
Yes, next one. Now, this is a very typical reaction. I call it as a partial reduction. Now, why I'm saying partial reduction? In this reaction, the C double bond O remain as it is. Only this hydrogen is a chlorine is replaced by hydrogen. This reaction is called as a Ressmann reduction. This reaction is called as Ressmann reduction. Now, if you see the catalyst which we are using, that is palladium barium sulfate. मतलब ऐसा है ना, ये है अपना palladium catalyst, समझो. अगर समझो मैंने barium sulfate से इसको poison नहीं किया, so all the sites are available, तो क्या होगा? More hydrogen and more acyl chloride adsorb होगा उसके ऊपर. So since the more hydrogen get adsorbed, it can reduce CO as well as chlorine. So इसलिए इसका जो product मिलेगा वो रहेगा RCH2OH. But since मैं some portion is covered by barium sulfate, इसको बोलते हैं poisoning of cations. So less hydrogen is available for the reduction. Okay, and therefore partial reduction is taking place. So this chlorine is replaced by hydrogen. This reaction is called as Ressmann reduction. क्या बोलते हैं इसको? Ressmann reduction. अगर Ressmann reduction नहीं होता तो क्या होता? If no Ressmann reduction, then RC double bond OH plus H2 in presence of palladium, that gives you RCH2OH plus HC. Understood? ऐसे होता है. Are you getting my point? Because we are इसको ना Lindlar's catalyst भी बोलते हैं. Palladium barium sulfate और palladium carbon भी use करते हैं. So this is actually called as Lindlar's catalyst. Okay. Understood? Yes. So this is a very good reaction to prepare aldehyde. Very good method of preparation. Okay, for aldehydes. Write down this reaction. Just put the heading Ressmann reduction. अच्छे से dark में लिखना. और नीचे सब ये लिखने के बाद ये यहाँ इसके नीचे राइट डाउन नोट एंड देयर यू राइट दिस रिएक्शन. ये रिएक्शन इधर नोट में लिखना. अंडरस्टूड? प्लीज राइट डाउन. बहुत लिखना है आज. यश, आज मेरे को कंटाला करूं. ओके. सावली सगळं लिया. कुलकर्णी आता कोण गायब झालं? अवनी सो दिस इज ऑल्सो Ressmann रिडक्शन. नाउ सो Ressmann रिडक्शन में जैसे वी आर गेटिंग ओनली aldehydes. देयर इज वन मोर मेथड विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द Ressmann रिडक्शन. ओके, एंड वी कैन नॉट कॉल इट एज अ Ressmann रिडक्शन बाय द वे, बट द रिएक्शन इज डन बाय यूजिंग कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम. बिकॉज ध्यान से लिखना, कीटोन बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम, इट शुड बी कैडमियम. ये कैडमियम क्लोराइड है, कैल्शियम है. कैडमियम क्लोराइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. कैडमियम क्लोराइड नहीं है वो, कैडमियम क्लोराइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ओके, सो दैट वी आर गेटिंग डाई अल्काइल कैडमियम. ओके, सो दिस टू क्लोरीन आर रिप्लेस्ड बाय टू अल्काइल. नाउ दिस डाई अल्काइल कैडमियम
further react with acetyl chloride or acyl chloride, this Cl is replaced by alkyl chloride, so that we are getting a ketone. So AB ketone one. Just look at the reaction. How is benzyl methyl? Benzyl matlab C6H5CH2. React with cadmium chloride, so that it will go dibenzyl cadmium. Same reaction. We'll have what? Acetyl chloride. So benzyl methyl keto. Or I can also say one phenyl propanone. One phenyl propanone. Ebinamester. Or phenyl acetone. Phenyl acetone commonly. Write on this reaction also. Okay, now physical properties of aldehydes. Likha na ye? Have you written this part? Ye reaction likha ki nahi likha? Yes, Aryan. Yes, sir. Likha ye? Yes, sir. Okay. चलो अभी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. जस्ट रीड दिस पार्ट, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर. एसिटाल्डिहाइड इज अ वोलेटाइल लिक्विड. द लोअर कीटोन्स आर लिक्विड्स, द हायर मेंबर्स आर कलरलेस सॉलिड. एरोमेटिक कीटोन्स आर यूजुअली सॉलिड. स्मेल, लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव अ पंजेंट ऑडर. एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, द ऑडर बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट. Fragrant name. Naturally occurring aldehydes and ketones are also flavoring agent. Solubility of aldehydes and ketones up to 4 carbon atoms, they are miscible with water, and this is due to the formation of hydrogen bonding. Ketones are less soluble in water than aldehyde. The solubility decreases rapidly as the length of the carbon chain decreases. So carbon chain ka ye badh gaya, to usse hota kya hai? There is a less tendency to form hydrogen bond. The solubility decreases rapidly as the length of the carbon chain increases. Branch aldehydes and ketones are more soluble than normal compounds. All aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvents like benzene, ether, alcohol, etc. Boiling point. The boiling point of aldehydes and ketones are higher than that of the alkenes and ethers of a comparable mass, and it is because of the dipole-dipole interaction. So carbon positively charged, oxygen negative, so there is a dipole. So because of the strong dipole-dipole interaction, boiling point of aldehydes and ketones is higher than that of the alkenes and ethers. However, they have a lower boiling point than corresponding alcohols and carboxylic acid, because alcohols or carboxylic acid mein hydrogen bonding hota hai. Aldehydes ketones mein hydrogen bonding possible nahi hai. Okay, so just write down this fourth point. Ye apne liye important hai.
next question. Arrange the following compound in an increasing order of their boiling points. Ethane, formaldehyde, and methanol. Obviously, methanol the boiling point सबसे ज़्यादा होगा. Then that of the formaldehyde, then that of the ethane. It's okay, simply. Now we have to consider reactivity of aldehydes and ketones. Let us understand first that part. Aldehydes may mainly addition reactions होते हैं. क्या होते हैं? Addition reactions. Okay, so reactivity of aldehydes and ketones. Okay, so C double bond O, right? Now I can write the structure as like this way also. O minus, and here we have a plus charge, right? So if I consider aldehyde or ketone, जितना ये और मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा. क्या ऐड होगा? न्यूक्लियोफिलिक एसिड. सो न्यूक्लियोफाइल इज एडेड हियर टू द कार्बन सो दैट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे रहेगा. दिस इज ओ माइनस एंड वी हैव एन यू. करेक्ट. सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसके ऊपर डिपेंड है? जितना ये चार्ज पॉजिटिव ज्यादा रहेगा उतना न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड होगा, है ना? तो इसमें दो फैक्टर्स आते हैं. पहला फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड केटोन एंड प्रेजेंस ऑफ इट इंक्रीजेस बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा उतना ये कार्बन ज्यादा पॉजिटिव रहेगा एंड देयरफॉर रिएक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो वो पॉजिटिव चार्ज को उतना न्यूट्रल करेंगे ना. रिलीजिंग मतलब यहां से ऐसे जाएंगे. यहाँ पे हियर आई एम राइटिंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस वे. यहाँ पे ओ माइनस है. ओके एंड सपोज वी हैव अ ग्रुप जी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ऑलरेडी देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. और अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो अनस्टेबल होगा, दैट मींस हाईली रिएक्टिव हो गया ना. पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, समझो इफ आई एम राइटिंग दिस वे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड समझो जी डैश दिया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, पार्शियली न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसका स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है. तो इसका मतलब ओवरऑल रिएक्टिविटी क्या हो गया? So presence of electron releasing group decreases reactivity of aldehydes and ketones. ये एक factor. दूसरा factor है steric effect. When the nucleophile is added, अगर यहाँ पे bulky group present है, then they will not allow nucleophile to attack on the carbon. So because of the steric hindrance, reactivity of aldehydes and ketones decreases. Okay, so yahan pe main likhta hu due to basically ye ketones mein kaam hai because aldehyde mein ek part to hydrogen hi rahe. So I can write it due to steric hindrance reactivity of ketones क्या होगा? डिक्रीजेस. अंडरस्टूड? प्लीज राइट डाउन दिस पार्ट, ये लिख लो.
इन जनरल मैं ऐसे लिखूंगा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑब्वियसली टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स. Write down this statement, then I will give you some questions. Done, everybody, done. चलो अभी ये एक रिएक्शन बता रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होता है. ओके, व्हाई देयर इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR, ओके, कार्बोनिल कंपाउंड, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हो गया. अगर समझो इलेक्ट्रो, सो कैसा होता है कि पहला स्लोएस्ट स्टेप में कौन किधर जा रहा है उसके हिसाब से उसका रिएक्शन समझ में आता. तो अगर समझो मैंने E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, दिख रहा है ना E प्लस, एवरीबॉडी कैन सी E प्लस है ये. ओके, अगर E प्लस मैंने ऐड किया तो वो किधर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, राइट. नाउ व्हेन आई ऐड टू द ऑक्सीजन, कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज. नाउ कार्बन इज अनस्टेबल, याद रखना कोई भी रिएक्शन जब होता है ना तो स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए. व्हाई दिस इज अनस्टेबल, बिकॉज इट हैज अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. अंडरस्टूड. नाउ यू नो ऑक्सीजन जो होता है ना, जब वो नेगेटिव चार्ज होता है, इट हैज कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन. मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसके साथ, ई के साथ बॉन्ड. बट कार्बन में कितना है, 1 2 3 4 5 6 है. बट जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, व्हेन वी आर एडिंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, दैट टाइम ये न्यूक्लियो, बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है. सो दिस इज more stable complex, stable structure than this. और मैंने क्या बताया कि जो stability होता है उसके ऊपर उसकी तरफ उस direction में reaction करता है. And therefore in carbonyl compound we have a nucleophilic addition reaction. Understood? Please write down this. जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही करना and underline these statements.
सुनिए करो, आंसर दिस क्वेश्चन क्या है, रीड इट. क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर द रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स एवरीबडी, सब लोगों को ये करना है. कम ऑन, डू इट फास्ट. हाँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना प्लीज, नहीं तो फिर क्या होगा बाद में तुम लोग भूल जाओगे कि क्या किया था हम लोगों ने, एबीसीडी एबीसीडी क्या किया था. यू हैव टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड्स विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. आई होप एवरीबडी नो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. करो. हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में आया ना. सेकेंड क्वेश्चन में है देखो, क्लोरीन NO2. Now, NO2 ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन दैट ऑफ द क्लोरीन एंड देयरफॉर सेकेंड इज हाईली रिएक्टिव. थर्ड और फोर्थ में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है, उसमें भी फोर्थ में दो अल्काइल कार्बन है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उधर ज्यादा है. देयरफॉर योर ऑप्शन इज 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4. थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन में वी हैव CCl3, तो क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जा रहा है. और फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट एग्जांपल और ऑप्शन में देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. फोर्थ में सेम कंसेप्ट. सो दिस वे, ये समझ में आया? यस, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ये तो अभी मुझे लगता है इसको बोलते हैं क्लोरल, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड क्लोरल, और ये है एसिटाल्डिहाइड. सो वन इज मोर रिएक्टिव दैन. कार्बोनिल कंपाउंड इन जनरल अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज वी डिस्कस. एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटॉन अक्रॉस द सी डबल बॉन्ड कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ, द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अराइजेस from the electronegativity of oxygen atom and the resulting polarization of carbon oxygen double bond. The electrophilic carbonyl atom is sp2 hybridized and flat, leaving it relatively unhindered and open to attack from either face of the carbon carbon double bond. Iska meaning kya hai, to agar samjho ye maine plane consider kiya aise, तो इस प्लेन में ये सब कुछ प्रेजेंट है, ये देखो ऐसे. सो द अटैक इज पॉसिबल फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज फ्रॉम दिस साइड. अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वन ये है उसका मैकेनिज्म जो हम लोगों ने ऊपर किया था. सी द मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस साइड, प्लेनर स्ट्रक्चर, स्लो स्टेप, सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. और दूसरे केस में फास्ट स्टेप पे एच प्लस अटैक करेगा इसके ऊपर. राइट डाउन दिस मैकेनिज्म, जस्ट पुट द हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड. मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे लिखा है वैसे ही ड्रॉ कर लेना. So as I already told you, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस देखने वाले हैं. इसके आगे भी बहुत सारे अलग अलग नए नए टाइप के रिएक्शंस है. ओके, कुछ रिएक्शंस पुराने भी है, एक दो रिएक्शंस, बट बाकी बहुत सारे रिएक्शंस जो है वो नए हैं. न्यू रिएक्शंस आर देयर फ्रॉम विच वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल, वी कैन प्रिपेयर नंबर ऑफ वेरियस कंपाउंड. Therefore, aldehydes and ketones plays a very important role in organic chemistry.
प्रॉपरली ड्रॉ करना एरोस, जैसे बॉन्ड बनाए वैसे। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, एज ऑलरेडी टोल्ड यू। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या अटैक हो रहा है उसके हिसाब से रिएक्शन को हम लोग कंसिडर करते हैं। सो अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया होता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वी डिस्कस नाउ। These are various reactions. ये हम लोग next lecture में बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे reactions अपने को देखने। Okay, so here we stop for today. In the next lecture we'll continue with this. अभी अपना lecture next Monday को रहेगा ना? Okay, no problem. We'll discuss. चलो next week में Wednesday को हम लोग किसका भी alcohol phenol का करना है ना अपने को MCQ? Yes, Balchandra. चलो फिर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।